ये टट्टी आपुन तो ड्राइवर है, आपुन तो वैसे भी एक्साइटेड रहेगा। व्यू को मजा लेने वाला मैं, बहुत ज्यादा अच्छा। टूर नहीं भाई, हम दोनों, क्योंकि भाई हम दोनों मुंबई से आए स्पेशली हम लोग यहाँ घूमने के लिए। शिलोंग से जाना ही है। यहाँ पे 7 सीटर फॉल है, मतलब 7 वाटरफॉल दिखेंगे, है ना। व्यू देखने के लिए ना जरूर आइए, बहुत कॉस्टली है, बहुत रिस्की है। आइए, रेडी गेट सेट गो। शुक्रिया खाना के लिए, शुक्रिया गाइस। लिटरली आई रजनी कांट बिलीव दिस। ये देखो, कभी जन्नत का नाम सुना है? कोई नहीं, आज वो दिखा देंगे। पूरा ही फॉग फॉग है यहाँ से। थोड़ी देर पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो पूरा हमें जमीन दिख रहा था, बट अब कुछ नहीं दिख रहा। नीचे बहुत गहराई है गाइस, मतलब अभी क्या गहराई कोई नाप नहीं सकता। थैंक यू, प्लीज विजिट अगेन। क्या बोलते हो गाइस? बिल्कुल। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं केव को देखने के लिए। देखते कहाँ पे है और कैसा है। एंड यहाँ पे देखो, हमारे एंट्री के लिए, हमारे स्वागत के लिए, केव का नाम है मासमाई केव। यहाँ से इसका एंट्री है। एससी कैसा होता है। एंड यहाँ पे इसका कुछ मैप है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, ये अभी हम लोग आए थे 7 सिस्टर वाटरफॉल, और अभी का ये पार्ट 2 व्लॉग है। तो अभी हम लोग आए हैं मासमाई केव, तो ये मैं पार्ट 2 में डालने वाला हूँ। सो आओ इसे भी देखते, इसे विजिट करते। एंड यहाँ पे टोटल 150 मीटर के अंदर का केव है ये। तो अंदर क्या है क्या नहीं, और अंदर हम लोग को क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वो सब मैं सारा चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आज आप देखते हैं, यहाँ से एंट्री ऐसा है। मैं पहले भी दो बार आसाम आ चुका हूँ, कोई उतना पहले कभी इतना फील नहीं हुआ जो आज फील हो रहा है। आज के दिन मेरे लिए ना हमेशा यादगार रहेगा। यहाँ से केव स्टार्ट हो रहा है, अंदर चलते और देखते हैं। पानी गिर रहा है यहाँ से। गाइस देखो, यहाँ से पानी गिर रहा है। ऐसा ऐसा, ये भाई देखो, सब आराम से हो जाए, फिसलेगा बहुत फिसलेगा। तू तो पानी वैसे दौड़ रहा है जैसे कि तेरा तू स्लीप ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। इसके आगे है कि नहीं? एंड द एंड। नहीं अंदर है, 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 है भाई, है, है अंदर से। आई डोंट नो गाइस, आप लोगों को दिख रहा रहेगा कि नहीं। वेट, मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। अभी भी नहीं दिख रहा रहेगा भाई। बहुत ओ भाई, ये क्या है? अच्छा पानी, मुझे लगा कि अंदर गुफा है बड़ा। ये अच्छा है भी, थोड़ा रिस्की भी है। हम निकल पाएंगे? सारा हेलमेट कैरी करने वाले हो? देख लो, आराम से निकलना है, ठीक है। कैमरा भी निकालो। सो गाइस, अभी यहाँ से छोटा गिफ्ट दिया गया, छोटा गुफा। तभी यहाँ से अभी अंदर घुस के एडजस्ट करके मुझे निकालना पड़ेगा। निकालो, अरे आगे वाले जाएंगे तब ना मैं जाऊंगा। वो आराम से आना लगेगा तुम्हें, अभी देख किसी लगेगा। ये बहुत क्रेजी है गाइस, यहाँ से निकलना थोड़ा टफ है, अबे बट कोई नहीं करेंगे। इट्स व्लॉग टाइम। मुझे दूसरी बार लग रहा है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आराम से आओ, प्रॉब्लम ही नहीं है। अबे सामान तो आज तो गोरा, इतनी बड़ी हाइट क्यों है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमें झुक झुक के जाना पड़ रहा है। आराम से, आराम से, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग गुफा से बाहर आने वाले। आप तो ये गुफा का एंडिंग देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक और डेंजरस डरावना है। तो गाइस ये रहा 1 BHK वाला एरिया। यहाँ पर आपको अगर रूम चाहिए होगा, रेंट पे चाहिए होगा, या फिर आपको बाय करना है, तो उसके लिए आप संजय 1611 से कांटेक्ट करिए या DM करिए। मैं आपको अपना इंस्टा बायो में डाल देगा।
बिकॉज इस गुफा का इंचार्ज मुझे बनाया गया है गाइड, मैं यहाँ पे सभी को गाइड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ इस तरह दिखता है और इतना खतरनाक है, सो आप लोग इसका मजा ले सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग आए हुए, से हाय हाय हाय, आप लोग आइए जरूर जरूर जरूर। यहाँ पर और भी लोग बोल रहे हैं आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर भी आपको आके देखना चाहिए आपका नेचर व्यू। नेचुरली है कि इसको बनाया गया है? नेचुरली है, नेचुरली बना हुआ है। आगे आगे बढ़िए, आगे ऑलरेडी जाम है। तो इस केव में भी ट्रैफिक जाम है, वो शॉर्टकट मार दिया यहां से। रोड केव में भी ट्रैफिक जाम है, कारण कि यहां पे बहुत झुक झुक के चलना पड़ता है और बहुत आराम से, यहां पे माहौल बहुत ठंडा है। चलो भाई चलो चलो, आप लोग देख सकते हैं यहां पे आगे बढ़ने के लिए कितने उत्साहित है लोग। यहां पर लोग फोटो शूट कर रहे हैं, इसके लिए एक नया ब्लॉग ला रहे हैं, इट्स टीके ब्लॉग। शुक्रिया शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो हम आज हम इतना आगे नहीं होते। आगे से कैसे बैठ बैठ के जा रहे थे, अभी तो कुछ नहीं था गाइस, बट आगे और ही बड़ा टास्क है, कुछ भी हमें करना है। चलिए तो बस तू आराम से आगे, आगे से मुंडी निकलने का जगह है, मुंडी निकाल सकते बच के आइए। इस केव में लिखे हो गया है यहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट लगाना पड़ेगा हमें। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा पत्थर, आज देख सकते हो आज इस डीके ब्लॉग में। तो जो मैं बड़े टास्क की बात कर रहा था वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो हमें बहुत ही ध्यान दे देके चलना चलना पड़ेगा आगे। ओह माय गॉड, आगे ट्रैफिक जाम है, आप देख सकते हो कि कैसे जा रहे हैं लोग। चलिए तू आराम से आ, चल चल आ जाएगा। जाइए जाइए, चलिए आराम से आइए गाइस, नहीं तो बल मार देगा गाइस। आ गया, सो फाइनली अभी हम लोग एक केक की तरफ मतलब अपोजिट आ गए हैं गाइस। इधर गाइस नहीं है बैल से गाइस, आइए गाइस और भी दिखाते गाइस। बोले गाइज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये काफी डीप गया है, ये अंदर होटल में ये कैमरे में तो नहीं दिखेगा पर हमें हमारी आंखों से दिख रहा है बहुत अंदर तक ये चीज। ये कुछ आपको एक सब्जी की तरह दिखता होगा, वो सब्जी तो कुछ बोलते हैं ढोकला, ये कुछ एडवेंचरस हो गया नहीं। तो आई डोंट नो गाइज आगे कितना है कितना नहीं, बट अभी हम धीरे धीरे और आगे चलते जा रहे हैं और हमारे साथ आप लोगों को भी सब दिखाने का दिखाएंगे। आज आप देख सकते हैं मेरा मुंह दिखा दो सर, बच्चा का खाना खाएं भाई। जरूर जरूर जरूर, हमने लाइफ में कभी ऐसे अभी तक के मतलब इसमें ऐसे कभी फतर स्टोन देखे नहीं थे। तो गाइस ये एरिया देखो, ये कुछ अलग ही चीज है, ऐसे अलग टाइप के पत्थर दिख रहे हैं, अलग ही शेप लेके बैठे हैं। इधर कुछ दीवारों ने यहाँ पर वाट लगा दिया है, मजनू और लैला भी आते हैं और ऐसे अपने लव स्टोरी के यादगार लिख कर जाते हैं, अपने नाम भी लिख कर जाते हैं ऐसे ऐसे जगहों के, इतने अच्छे अच्छे जगहों का वट लगा देते हैं। यहाँ पर कोई सुमन ब्लॉक को कोई सुमन देखती होगी तो आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं केव में कितने भीड़ है, यहाँ पर लोग बाहर निकलने के लिए बहुत शोर कर रहे हैं। आगे आगे थैंक यू, यहाँ पर पब्लिक था। सो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, ये अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट का एक क्लिप हो चुका है पूरे केव का। ओके तो अभी बाहर जाते हैं यहाँ से, तो आगे क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं और बात करते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं। पहले गाइस यहाँ पे एक और था सेकंड माई केव, जो कि यहाँ पे उसका एंट्री गेट बंद करके रखा है तो हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते। सो फाइनली गाइस दिल से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने और सनी ने ऐसे जगह पे आके हम लोगों ने घूमा,
दिल को बोले ना, दिल को टच हुआ, ठंडक मिला यहाँ पे आके। और ये मेरे लिए एक्सपीरियंस मतलब बोलूंगा ना लाजवाब था। तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग को यहाँ से जाने के लिए और 4 से 5 घंटा लगेगा एंड ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आसाम में नए ब्लॉग के साथ। सनी जरूर आइए और ये आसाम का फील लेके जाइए। कैसा लगा तुझे ये? बहुत अच्छा ये आसाम। हम लोग मुंबई से खास शिलोंग ट्रिप के लिए आए थे और आज ये ट्रिप हमारा कंप्लीट हुआ। इसका सपना भी था, 3 बार ये आया था गुवाहाटी में पर अभी तक शिलोंग नहीं आया था, पर आज वो पूरा हुआ। पूरा हुआ। तो आगे हम आपके लिए कुछ और नया प्लेस, कुछ नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।